गुड़ और तिल के लड्डू, और थोड़ा सा हम इसमें ट्विस्ट देंगे क्योंकि अंदर हम कुछ भरेंगे इसमें, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स और सजेशन ज़रूर दीजिए करिए। तो मैं टेस्ट तो कर लूँ। मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है जिसमें 1 टेबलस्पून अराउंड घी लिया है। इसको हम गर्म होने रखेंगे, स्विच ऑन द गैस, फ्लेम को स्लो करेंगे। यहाँ पर मैंने अराउंड 150 ग्राम वाइट सेसमे सीड्स लिए हैं, मीन सफ़ेद तिल। इनको हम घी में लाइटली सौते करेंगे। ज़्यादा नहीं, अराउंड 2 to 3 minutes। एंड गाइज बिलीव मी, दीज आर वेरी गुड एनर्जी सोर्स, एंड आप इनको घर पर बनाइए और अपने बच्चों को मॉर्निंग में दीजिए, तो ये उनके लिए एक अच्छा एनर्जी सोर्स रहेगा। ये तो आप इससे ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को। इनको भूनते हुए अभी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमें इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत लाइटली ही इनको ऐसे सौते करना है। बस स्विच ऑफ द फ्लेम, इनको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, देन हम इनको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। हम अपने गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में रफली चॉप कर लेते हैं ताकि जो हमारा गुड़ है उसकी चाशनी आराम से बन जाए। यहाँ पर मैंने वेट में अराउंड 200 ग्राम्स गुड़ लिया है। तो गाइस जितनी देर में हमारे तिल ठंडे हो रहे हैं उतनी देर हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। तो इन टू सेम कढ़ाई आई विल एड अराउंड 1 कप ऑफ वाटर, एंड ये जो हमने जैगरी को रफली चॉप किया था इसको मैं ऐड कर देती हूँ। इस देखिए हमारी चाशनी में बॉयल आने लग गया है। इसको हम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तो गाइज देखिए हमारी चाशनी को उबलते हुए भी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जो इसकी कंसिस्टेंसी है थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो बस अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, जो हमने इससे पहले भुने थे उनको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, और इसको हम अभी गैस स्लो करके छोड़ देते हैं। बस ये हमारे तिल, हम अपने तिल को रफली 3 to 4 seconds के लिए ग्राइंड करेंगे। देखिए परफेक्ट, अब हम इसको ऐड कर देते हैं। ये जो हमारी चाशनी तैयार हो गई है इसमें एक नाइस मिक्स देंगे। तो गाइस तिल डालने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट और पकाया, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। नाउ इनटू दिस आई विल ऐड 100 ग्राम्स ऑफ कसा हुआ सूखा नारियल, जिसको हम गोला भी बोलते हैं, और इसको नाइस मिक्स देंगे। अगर आपको ये गीला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गोला और ऐड कर लीजिएगा। स्विच ऑफ द फ्लेम, इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। अभी मिक्सचर देखिए थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए इस तरीके से, थोड़ा सा अभी गर्म है ऐसे, और उसके अंदर हम 2 से 3 पिस्ते इस तरीके से भर देंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। गाइस देखिए कितना सुंदर लड्डू तैयार हुआ है, एंड आई एम श्योर ये बहुत टेस्टी बने हैं।